स्मॉग और फजाई आलूदगी की शिदत बढ़ गई। लाहौर आज फिर टॉप पोजीशन पर, मुल्क के दूसरे आलूदा शहर पीछे रह गए। लाहौर दुनिया के दूसरे नंबर पर रहा, शरह 245 रिकॉर्ड। अमरीकी काउंसलेट 316, सैयद मुरातब अली रोड पर शरह 275 रिकॉर्ड। शहरियों को बीमारियों ने घेर लिया, मास्क लगाने की हिदायत। दर्जा हरारत मजीद गिर गया, 25 डिग्री तक रिकॉर्ड। हल्की हल्की हवाएं चलने से फुनकी, बारिश का कोई इम्कान नहीं। स्मॉग की बढ़ती सूरत हाल तश्वीशनाक हो गई। हुकूमत ने खसूसी तालीमी इदारों में छुट्टियां दे दी। स्कूल 1 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। खसूसी बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया गया। स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस के इंतजाम करने की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। स्मॉग से पाक पंजाब के लिए ग्रीन लॉकडाउन। शिमला पहाड़ी और गिरदोनवाह में इकदाम शुरू। आलूदगी का सबब बनने वाली सरगर्मियों पर 4 नवंबर तक पाबंदी। चिंची रिक्शों का दाखिला बंद। एबट रोड, जर्टन रोड, एम्परस रोड पर धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला भी ममनू करार। नादरा ऑफिस और शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाहर पार्किंग और दीगर मुकामात पर मुंतकिल कर दी गई। पंजाब में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का दौर शुरू। स्मॉग के खात्मे के लिए फसली बाकियात की मशीनी तल्फी और काश्त। धान की बाकियात को बाहिफाजत तल्फ करने के लिए सुपर सीड प्रोजेक्ट का आगाज। वजीर आला ने राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काकू में सुपर सीडर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। बोले, सुपर सीडर से स्मॉग में कमी आएगी, ज़राअत के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। सिख यात्रियों को एयरपोर्ट पर आधे घंटे में वीजा मिलेगा। वीजों के मसाइल हल कर दिए, फीस भी नहीं होगी। अमरीकी सिख यात्रियों के एजाज में तकरीब में वजीर दाखला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। बोले, सिख यात्री आजादी से अपने मजहबी मुकामात की सैर कर सकते हैं। जितने भी यात्री आना चाहें, हमारे दरवाजे खुले हैं। मैट्रिक सालाना इम्तिहान में सिर्फ 4 माह बाकी रह गए। बोर्ड्स बच्चों की आसानी के लिए फिलफॉर मॉडल पेपर जारी करें। प्राइवेट स्कूल्स मालिकान ने नए पेपर पैटर्न के मुताबिक मॉडल पेपर जारी करने का मुतालबा कर दिया। सदर पाक ऐवान तालीम काजी नईम बोले कि मॉडल पेपर जारी ना होने के बायस हजारों तलबा के फेल होने का खदशा है। लाहौर में जेरे इल्तवा चालानों की तादाद 0 हो गई। प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया, टोटल चालान जमा हो गए, कोई बाकी नहीं रह गया। अब 3,80,000 चालान जमा हो चुके हैं। तमाम जजेस और मुकदमात जमा होने की तफसीलात फराहम की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तफ्तीशी अफसर ने कहा कि चालान जमा नहीं हुआ, रिपोर्ट की तस्दीक होगी तो केस का फैसला कर देंगे। मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर के खिलाफ जाली भर्तियों का नया मुकदमा बाद अज गिरफ्तारी, दरख्वास्त जमानत दायर। एंटी करप्शन कोर्ट के जज मोहम्मद फैसल अहमद ने दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को 2 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। मोहम्मद खान भट्टी पर 200 से ज्यादा मनपसंद अफराद को खिलाफ मेरिट भर्ती का इल्जाम है। कैम जेल से एहसन शाह की ऑडियो लीक केस। एहसन शाह की बेवा रिशा की अबूरी जमानत में 16 नवंबर तक तौसी। एडिशनल सेशन जज रफाकत अली कमर ने तफ्तीश मुकम्मल ना होने पर मुतलका तफ्तीशी ऑफिसर को तलब कर लिया। तफ्तीश एफआईए करेगी या पुलिस, तहाल फैसला नहीं हो सका। ड्रग कोर्ट से मुलजिमान को रिकॉर्ड सजाएं और जुर्माने। अक्टूबर के दौरान मुलजिमान को 15,62,00,000 से जायद का जुर्माना, 63 साल कैद की सजाएं दी गईं। ड्रग कोर्ट में जेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 0 हो गई। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राणा की कारकर्दगी रिपोर्ट हाई कोर्ट को मौसूल। सानेह मॉडल टाउन की जेआईटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तें। केस की समाअत के लिए 7 रुकनी फुल बेंच की तश्कील। चीफ जस्टिस आर्या नीलम की मंजूरी के बाद तश्कील दिया गया। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी सरबराही करेंगे। बारूदी मवाद बरामदगी केस का फैसला। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुलजिमान अब्दुल हलीम और आबिद को बरी कर दिया। जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। फैसले में कहा, प्रोसिक्यूशन मुलजिमान के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं कर सकी। गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स असल ना लगाने का मामला, सारिफ अदालत ने इल्जाम साबित ना होने पर दावा खारिज कर दिया।
सेल मैनेजर ऑटो शॉप मिंट गुमरी रोड के खिलाफ हर जाने का दावा खारिज किया गया। दरख्वास्त गुजार दौरान समाज शहादत पेश नहीं कर सका। पंजाब असेंबली में पीटीआई ने पार्लियामानी इजलास आज तलब कर लिया। राजा सलमान अकबर और अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भुच्चर सदारत करेंगे। ऐवान के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। पंजाब में एहतजाज के हवाले से भी मुशावरत होगी। मुख्तलिफ महकमों कंपनियों में इजाफी टैक्स कटौतियों का मामला। वफाकी टैक्स मुहतसिब ने मुख्तलिफ महकमों और प्राइवेट कंपनियों का डेटा तलब कर लिया। पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड मजलिस तरक्की अदब और हमरा आर्ट काउंसिल से डेटा मांगा गया। आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर से भी इनफरादी टैक्सों का डेटा तलब करने की हिदायत की गई। पंजाब पुलिस शहदा के अहल खाना की वेलफेयर के लिए सरगर्म। आईजी ने शहादत पाने वाले एक और अहलकार के अहल खाना को घर दे दिया। शहीद हेड कांस्टेबल हारून रशीद के अहल खाना को 1,35,00,000 का घर दिया गया। आईजी पंजाब का हारून रशीद की लाजवाब कुर्बानी को भरपूर फिराज अकीदत। और कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन का 57वां कॉन्वोकेशन। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी की कॉन्वोकेशन में शिरकत। सदर कॉलेज प्रोफेसर एंड वॉल ने भी शिरकत की। पाक फौज की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर की बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत। नायब सदर सी पी एस पी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने हल्फ लिया।